सो गाइस ये बात है 2021 की, तब राइस्टार का कम वाइट ट्रिपल फोर का क्रेज ज्यादा चल रहा था, चारों तरफ वाइट ट्रिपल फोर ही वाइट ट्रिपल फोर, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि राइस्टार ने वाइट ट्रिपल फोर को भी हराया है। सब लोग कहने लगे कि वाइट ट्रिपल फोर राइस्टार का बाप है, लेकिन इनको कौन बताए कि राइस्टार मींस मोबाइल प्लेयर इंस्पिरेशन। लेकिन उसी टाइम एक बंदा आया जो हमारा इंडिया से बिलोंग करता है एंड उसके गेम प्ले सेम वाइट ट्रिपल फोर जैसा ही है, सब लोग उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने लगे इंडियन वाइट ट्रिपल फोर बोल के। फिर कुछ दिन बाद फ्री फायर कम्युनिटी में एकदम से तहलका मच गया, वाइट ट्रिपल फोर हैकर, स्मूथ ट्रिपल फोर हैकर। पहले तो वाइट ट्रिपल फोर को हैकर बोला गया, लेकिन बाद में राइस्टार को छोड़ के जितने भी वन टैप मारने वाले प्लेयर है उन सबको लोग हैकर बोलने लगे, क्योंकि राइस्टार को भी पहले हैकर बोलते थे लेकिन प्रूफ ना कर पाने की वजह से अब लीजेंड बोलते हैं। तो अगर रियलिटी देखा जाए तो राइस्टार एक इंडियन मोबाइल प्लेयर है, मतलब अभी अभी वो पीसी में शिफ्ट हुआ है, तो उससे पीसी प्लेयर कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पहले मोबाइल में खेल के फिर पीसी में शिफ्ट हुआ है। एंड वाइट ट्रिपल फोर पहले से ही पीसी में खेलते आया है, तो वाइट ट्रिपल फोर मीना सर्वर का एक पीसी प्लेयर है और वाइट ट्रिपल फोर को स्मूथ ट्रिपल फोर का इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब ये बात कितना सच है कितना झूठे है तो मुझे भी पता नहीं है, अब थोड़ा सा सोचा जाए तो हो भी सकता है क्योंकि दोनों के दोनों पीसी प्लेयर है, क्या पता कि स्मूथ ट्रिपल फोर सच में वाइट ट्रिपल फोर को देख के इंस्पायर हुआ हो। एंड अगर राइस्टार की बात की जाए तो राइस्टार पूरे वर्ल्ड के मोबाइल प्लेयर का इंस्पिरेशन है, और इसी के साथ स्मूथ ट्रिपल फोर की बात की जाए तो स्मूथ ट्रिपल फोर एक पीसी प्लेयर है। हमारे इंडिया में पीसी प्लेयर बहुत ही कम है, हमारे इंडिया में ही नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में ही मोबाइल प्लेयर के मुकाबले पीसी प्लेयर बहुत ही कम है, इसलिए लोग उनसे बहुत ही कम इंस्पायर होते हैं। लेकिन स्मूथ ट्रिपल फोर का गेम प्ले वाइट ट्रिपल फोर से कम नहीं है, क्योंकि इसका मूवमेंट स्पीड इतना हाई है कि अगर कोई बंदा इसको कस्टम खेलते हुए इंस्पेक्ट करता है तो पूरा पीसी लैग होने लगता है, मोबाइल की तो बात ही छोड़ो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉन स्टॉप गेमिंग ने इसको इंस्पेक्ट किया था लेकिन पूरा पीसी लैग कर गया। स्ट्रिंग से यहाँ पे फिनिश ऑफ है, बट लेट्स सी भाई इनके मूवमेंट से आज यहाँ पे भाई स्क्रीन भी लैग हो रही है भाई ओपी। गैलेक्सी गाइस स्मूथ को देखते हैं, यहाँ पे 1v2 सिचुएशन, स्नाइपर है, आई थिंक यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं जी गाइस, फिनिश यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन M10 है यहाँ पे सामने वाले प्लेयर के पास, देखते किसके पास यहाँ पे M10 है। दोनों प्लेयर भाई पोजिशन लेके बैठे भाई, दोनों प्लेयर यहाँ पे पोजिशन लेके बैठे है, लेकिन दोनों को इधर उधर करना होगा और एक प्लेयर को यहाँ पे रोक करते हुए, और आई थिंक वो प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट भी हो सकता है। और भाई साहब ट्रिपल किल। सो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया स्मूथ ट्रिपल फोर का एकदम नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, और यहाँ पर स्मूथ ट्रिपल फोर स्नाइपर भी बहुत ही ओपी चलाता है, लेकिन 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 गाइस ये तो बहुत ही पुराना गेम प्ले, करीब आज से 9 महीने पहले की गेम प्ले। अगर अभी आप लोग सोचोगे कि आज से 9 महीने पहले स्मूथ ट्रिपल फोर का गेम प्ले इतना ओपी लेवल का हो सकता है, तो आज के टाइम पे कितना ओपी हो सकता है। और अगर स्मूथ ट्रिपल फोर को व्हाइट ट्रिपल फोर के साथ भिड़ाया जाए तो मुकाबला एकदम तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों लीजेंड, तो दोनों लीजेंड आपस में एक साथ भिड़ेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। वैसे इन दोनों का 1v1 वर्सेस तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन एक बार हुआ था नॉनस्टॉप गेमिंग की लाइव स्ट्रीम पे, वहाँ पे इंडियन स्क्वाड और मीना सर्वर की स्क्वाड के साथ वर्सेस हुआ था, तो वहाँ पर वाइट ट्रिपल फोर भी आए थे और स्मूथ ट्रिपल फोर भी। आप लोग इस छोटे से क्लिप को देख के बताइए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मतलब स्मूथ ट्रिपल फोर ज्यादा पावरफुल है या वाइट ट्रिपल फोर ज्यादा पावरफुल है। इस करके इस बारे में 25 HP अच्छी है, 1v2 सिचुएशन जी गाइस, 1v2 सिचुएशन, वाइट ट्रिपल फोर सामने अभिलाष और यहाँ का स्मॉट ट्रिपल फोर का डबल किल और स्टेनली, और लेकिन यहाँ पे वन शॉट स्मॉट ट्रिपल फोर जी गाइस, स्मॉट ट्रिपल फोर का यहाँ पे वन शॉट और यहाँ पे फिनिश कर दिया है जी गाइस, स्मॉट भी यहाँ पे कम नहीं है और बहुत ही प्यारा यहाँ पे हेडशॉट। क्या लगता है गाइस इंडिया वर्सेस मीना सर्वर, और लेकिन स्टेनली ने यहाँ पे सीएम भाई को नॉकडाउन जरूर किया है, लेकिन सामने अभी भी दो प्लेयर्स है, 1v2 सिचुएशन स्टेनली के लिए, आई थिंक यहाँ पे ग्लूअल से पैक कर दिया जाएगा जी गाइस, ग्लूअल से यहाँ पे पैक कर दिया जाएगा, लेट्स सी देखते हैं। और यहाँ पे 1v2 सिचुएशन आई थिंक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन मौका दिया गया आगे जाने के, लेकिन यहाँ पे फंस चुके हैं और गाइस स्कोर हो चुका है 3। सो आप लोगों ने इस गेम प्ले को देख लिया, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लिप ढूंढना बहुत ही मेहनत लगता है, सो आप लोग अगर मेरी मेहनत को समझ पाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग बात करते हैं राइस्टार के बारे में, अब देखा जाए तो राइस्टार पहले से ही मोबाइल में खेलते आए हैं और अभी भी मोबाइल में खेलते हैं, मतलब पूरी तरीके से पीसी में शिफ्ट नहीं हुए, और स्मूथ ट्रिपल फोर और वाइट ट्रिपल फोर ये लोग पहले से ही पीसी में खेलते आए हैं, तो इन लोगों के साथ एक मोबाइल प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते। राइस्टार एक मोबाइल लीजेंड है और बहुत ही पुराना लीजेंड है, मतलब उसका इज्जत तो मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ही हाई लेवल का है स्मूथ ट्रिपल फोर और वाइट ट्रिपल फोर के मुकाबले। तो अगर आप लोगों के नजर में कोई भी ऐसा मोबाइल प्लेयर हो जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसके साथ राइस्टार को जरूर कंपेयर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं यार। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।